मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। शांति। सभी एक व्रता, पवित्र, मर्सीफुल, प्रसन्न चित्त मनसा सेवाधारियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। जैसे संस्कार वैसा संसार। बेहद के बाप आकर हम रूहानी बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार भरते हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति के संस्कार, सतयुगी संस्कार। और फिर जैसे संस्कार वैसी ही दुनिया, वैसा ही संसार। बाबा के आने से हमें होता है अपने घर का दीदार, याद आ जाता है हमें अपना ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार, और हमारी फीलिंग भी बदल जाती है। बाबा ही है सच्चा मालिक, सच्चा बादशाह। हम लकी सितारों को देवता बनाते हैं, ड्रामा के, सृष्टि चक्र के गुहे गुहे पॉइंट्स सुनाते हैं। तो हमें भी अब बाबा का बन के चेंज होना है। क्या क्या धारणाएं करनी हैं, जानने के लिए सुनते हैं 2024 के 9वें माह की 9 तारीख की साकार मुरली। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। बाबा कह रहे हैं योगी बनो, पवित्र बनो। योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। जितना हम बाबा से जुड़ेंगे, योग लगाएंगे, बाबा को याद करेंगे, हमारे बुरे संस्कार परिवर्तन होकर अच्छे दैवी संस्कारों में बदल जाएंगे। और बाबा बताते कि कौन से संस्कार अच्छे हैं, ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। अभी सब जगह देख रहे हैं ना कि परमात्मा की सही पहचान नहीं है, तो सभी में कैसे आसुरी अवगुण हैं, कैसे आसुरी संस्कार हैं। तो जितना बाबा को जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे, अनुभव करेंगे, हमारे अंदर योग बल जमा होता जाएगा और अच्छे संस्कार बढ़ते जाएंगे। प्रश्न,
तुम बच्चों का बर्थराइट कौन सा है, तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। हर आत्मा का बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। हाँ, भक्ति भी पूरी होगी और जिनकी भक्ति पूरी हो गई उनको फल मिल गया भगवान ज्ञान सदगति। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। दीदार करना माना देखना, सबको दिखाई देगा, सब जाएंगे अपने घर शांति धाम में, परम धाम में। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं, सच्चा पातशाह। सिख लोग कहते हैं ना सच्चे पातशाह, तो अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं, गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है, वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सच खंड का बादशाह भी बनाते हैं। हाँ, हम सब पत्ते हैं ना, देखो कल्प वृक्ष के, तो बाबा हमारा मालिक है, शाह है, तो सच्चा पातशाह, तो बादशाह, सच्चा मालिक, सच्चा बादशाह, हमें भी सचखंड का बादशाह बनाते हैं। यह तो बरोबर है, मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं, लिब्रेशन और फ्रुशन। हाँ, लिब्रेशन, बाबा हमें दुखों से छुड़ाते भी हैं और फल भी देते हैं, है ना? तो लिब्रेशन और फ्रुशन, भक्ति का फल देते हैं और लिब्रेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं, लिब्रेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। मुक्ति तो सबको मिलेगी और फल क्या है, जीवन मुक्ति, वो हमें मिलती है। लिब्रेशन और फ्रुशन, यह भी भाषा बनाई हुई है ना, भाषाएं तो बहुत हैं। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं, कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। हाँ, कहते हैं ना सबका मालिक एक, मालिक तो ठीक है परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, मालिक भी कोई चीज का बनता है ना। नाम रूप तो जरूर है, मालिक है तो मतलब किसी न किसी चीज का है, और मालिक है तो कोई ना कोई है, तो उसका नाम भी है रूप भी है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिब्रेट भी करते हैं, फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है, अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे, उसको कहते हैं गति सदगति। घर से आए हैं तो पहले घर जाएंगे, अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित, गति सदगति कहते हैं लेकिन अर्थ समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबर वार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। पहला जन्म तो सबका जीवन मुक्त होगा, अपने अपने समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था यह पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नर्कवासी हो तुम बच्चे ही जानते हो। यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है, तुम भी लिख सकते हो। बाप से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है, बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट। देखो रावण का भी बर्थ राइट है और परमपिता परमात्मा का भी बर्थ राइट। तो बाबा कहते हैं यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट, तो स्वर्ग और नर्क। तो ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। अभी हेल है, हेवन स्थापन हो रहा है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, बेबीज हैं, और बेबीज भी बोले ना कि देखो बीज को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है,
तो बाबा कहते हैं अभी तो कितना काम करना है, अभी तो जैसे बेबीज हैं, छोटे बच्चे हैं। जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी है, बच्चा है, हाँ कहते हैं ना, कलयुग में तो अभी 40,000 साल पड़े हैं तो अभी तो बेबी है। बाप कहते हैं सत्यों की स्थापना में बेबी है, सत्यों की स्थापना में बेबी है, ये तो साकार मुरली है ना। तो अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है, वह कोई फादर थोड़ी है, उसको तो शैतान कहा जाता है। रावण 5 विकार में ये सब क्या है, ये कोई फादर थोड़ी है, वो तो शैतान है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है, 5 विकार मिलते हैं, शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। हर जगह देखो क्या शो हो रहा है। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं, सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। मैसूर के राजा देखो विदेशों से भी मेहमानों को बुलाते थे, वहाँ का दशहरा बहुत फेमस। तो बाबा कहते हैं पैसे वाले भी बहुत हैं, रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल ही चट हो जाता है। पैसा जेब में हो तो बहुत अच्छी बात, सिर पे चढ़ जाता है तो देखो तांडव करता है, हाँ अक्ल ही चट हो जाती है। बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य, उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे, उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे, तो हद के बापूजी हैं। अब यह तो सारे विश्व का बापू है, हाँ बापूजी का भी बापू है शिव बाबा। तो अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी, जीव तो विनाशी है, शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी, आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जासते हैं या आत्माएं जासते हैं, हाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार्स ज्यादा हैं या फिर आत्माएं ज्यादा हैं, क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह आसमान के सितारे, तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं, ग्रह नक्षत्रों को भी देवता कहते हैं, तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना, हम तो लकीस्ट हैं। अच्छा इस पर फिर आपस में डिस्कस करना, बाबा कहते हैं इस टॉपिक पर आपस में बात करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं, यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है, इनकी बुद्धि में तो सब हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका वह बाप है, यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, यह भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था यह रावण राज्य सारी सृष्टि पर है, हाँ बेहद की लंका है ना, ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है, सागर तो ऑल राउंड है ही, सब तरफ पानी तो है ही, कहते हैं ना नीचे बैल है उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है, शास्त्रों में बताया है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है, अभी पुरानी दुनिया खलास हो नई दुनिया की स्थापना होती है, शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है, यह तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं, इनको कहते हैं जीव आत्माएं, वह जो आत्माओं का घर है वहाँ तो शरीर नहीं है, परमधाम में तो शरीर जाएगा नहीं, उनको कहा जाता है निराकारी, जीव आकारी हैं इसलिए साकार कहा जाता है, निराकार को शरीर नहीं होता है, यह है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया, इसको सृष्टि कहेंगे, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो बाबा कहते हैं ना कि फिर देखो कैसे चुरपुर करती है, चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है, तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया, बिना आत्मा के तो शरीर कोई काम का है नहीं। तो जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है,
सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती है। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। जैसे ही वहाँ से आखिरी आत्मा आई, यहाँ से जाना चालू हो जाएगा। न धरती खाली होगी, न परम धाम खाली होगा। तुम यह संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आत्मा के साथ संस्कार जाता है। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है, टच करके आना है हमें। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल कर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग में सतयुग में अच्छे संस्कार। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, बीज की भी समझानी देते हैं, तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान, और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। बीज है शिव बाबा, बाबा हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं, तो ये तो समझानी हो गई ज्ञान। और झाड़ की, कौन से धर्म कब आते हैं, कितने पत्ते टाल टालियां, ये सब समझानी क्या है, भक्तियां, भक्ति मार्ग। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहां ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं एक्यूरेट। यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। और कोई यह बातें बता न सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, ये सब बातें बाबा ने हमें बताई, हम ही बता सकते हैं, और किसी को तो पता ही नहीं है। क्या आधा आधा है? आधा स्वर्ग आधा नर्क, फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम आयु बड़ी होती है, नर्क में जन्म जास्ती आयु छोटी होती है। 8, 12, 21, 42 है इतने जन्म। तो वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। लंबी उम्र चाहिए ना, तो फिर योगी बनना होगा, पवित्र बनना होगा। भोगी रहे तो आयु कम। बाबा कहते हैं इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता, मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, फिर यह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। सभी आत्माओं को शिव बाबा के पीछे जाना है, और फिर अपनी अपनी मेहनत अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, जैसा पद निश्चित किया है वैसे आएंगे पार्ट बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन, तुम जानते हो। सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना, कोई तो पहले उतरेगा ना, तो 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों। यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण का पहला नंबर क्यों, उनका गायन इतना क्यों, 8 इकट्ठे आए फिर भी पहला नंबर 1 तो कोई है ना, तो ये सब क्यों है। बाबा कहते धीरे धीरे ये सब बातें बताएंगे। तो अब तो सबके बुद्धि में सारी बातें क्लियर है ना। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। देखो धीरे धीरे करके बाबा ने तो सब कुछ बता दिया। यह युक्ति अच्छी है,
जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य सुनाते हैं, इस कहने में लज्जा की बात नहीं। सारे पॉइंट एक साथ थोड़ी बता देंगे, पीएचडी एक साथ ही थोड़ी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बोलो कि अभी बताया नहीं है, कोई प्रश्न पूछे उसका जवाब नहीं आता है तो बोलो हम सीनियर से पूछ के बताएंगे, वो आपको जवाब देंगे, या हमें बाबा ने अभी बताया नहीं है। तो बाबा कहते हैं गुह्यते गुह्य पॉइंट जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव, अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूझने की तो जरूरत नहीं है। मन मना भाव क्या है? बाबा को याद करना है। मध्याजी भाव हमारा वर्षा है, स्वर्ग का वर्षा, तो बाप और वर्षा है ना। बाबा कहते हैं ये सब अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है तो इसमें मूझने की जरूरत नहीं है। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला, इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, यह पहले नंबर में है, जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं, अभी तो बेगुण है ना, अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अपने में अवगुण हैं, वो अवगुण हैं यही नहीं पता है। बाबा कहते हैं अभी तो सब बेगुण हैं, अवगुणों का पता ही नहीं है। अपने आप को देखो, गुणवान समझते हैं। पतितपना क्या है यही नहीं पता, पतित बनते हैं लेकिन ये पतितपना है यही नहीं पता। तो अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, गोदरेज का ताला, गॉड आकर देखो राजयोग से खोलते हैं बुद्धि का ताला। ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है, यह है पतित वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है, प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है। ब्रह्मा बेहद की माँ तो सतयुग में तो होती नहीं, एडॉप्शन तो सतयुग में नहीं होती। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए, यह है मुख वंशावली, वह होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है, सब समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। आदि देव एडम आदम, अंग्रेजी में क्या कहेंगे आदि देव को? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, यह है बेहद का सरनेम। वह सब होते हैं हद के सरनेम, इसलिए बाप समझाते हैं। यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। क्यों बड़ा तीर्थ है? जहाँ बेहद का बाप आते हैं, ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। आबू ए बी यू ऑलमाइटी ने ब्रह्मा के तन में आकर यूनिवर्सिटी खोली, ए बी यू आबू। तो देखो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ, शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई, आबू में कैसे आए। दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है, जैनियों का मंदिर दिलवाड़ा मंदिर, बाबा कहते हैं तुम्हारी एक्यूरेट यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। लगभग 1100 साल पहले देखो सेठ श्री विमल शाह ने बनवाया, तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में आया बनवाया, एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं, वह तो पाकिस्तान हो गया। मगध क्षेत्र कहाँ हो गया? पाकिस्तान में। तो यह है पाकिस्तान, पाकिस्तान पवित्र स्थान। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है, पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है, पतित से पावन पावन से पतित। तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, तुम यह समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। कितने काल के बाद मिले हैं?
कितने काल के बाद मिले हैं? 5,000 साल बाद। फिर कब मिलेंगे? बाबा कहते हैं सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। हाँ देखो, खुद आकर खुद से मिला दिया। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। हाँ? अब ईश्वर पति है, परमेश्वर पति है या पति परमेश्वर है? अब तो फर्क पता है ना सबको। तो स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं, आजकल तो दुनिया में बहुत गंध लगा पड़ा है। हाँ, जिधर देखो गंध ही गंध है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। किसके साथ हथियाला बांधना है? अब क्लियर है ना पिक्चर? यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? देखो कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं और राम नवमी, तो 8 डायनेस्टी चलती है और राम नवमी त्रेता में दिखाते हैं राम धनुष बाण के साथ। तो राम नवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में राम नवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता नहीं सकते, और हमें देखो बाबा ने सब कुछ बता दिया है। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो, गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते, बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचते हो, एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचते हो। एक जन्म पवित्र रह लिया तो 2500 वर्ष तक बच जाएंगे। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो, अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। ये चक्र फिराते रहेंगे ना तो माया के सारे चक्करों से बचे रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। हाँ, संपूर्ण पवित्रता अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं, अपने को गुणवान बनाना है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुये गुये बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। वरदान, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। बाबा सुख का सागर, उनके बच्चे हम मास्टर सुख सागर हैं। बाबा समझाते हैं जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। यदि सही समय पर सही कर्म करेंगे बाबा की याद में तो उसका फल क्या मिलता है? खुशी और शक्ति। उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। न दुख देना न दुख लेना, जो खुश रहेंगे जो सुखी रहेंगे वही औरों को खुशी दे सकते हैं और वही दूसरों को सुख का अनुभव करा सकते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है? सदा सुख के सागर में लहराना है, यथार्थ कर्म करना है, श्रीमत अनुसार ही कर
कर्म करना है। स्लोगन, मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। सभी आत्माएं पुकार रही हैं ना, बाबा रोज रोज याद दिला रहे हैं। तो रहमदिल तो है ही, हम रहमदिल बनना भी है, लेकिन देना क्या है? सबको सहयोग देना है, स्नेह देना है, और सबके प्रति हमारे मन में सहानुभूति भी हो। जिसको जो चाहिए ज्ञान गुण शक्ति, उसका दान करना है। सहयोगी योगी पवित्र बनना है। तो ये थी आज की मुरली। क्या करना है? धारण करना है। पहली बात, धारण करना है ज्ञान व पवित्रता के संस्कार। दूसरा, करना है अपने घर का दीदार। तीसरा, याद रहे ये सृष्टि है साकार, हम आत्माएं हैं निराकार, पाठ बजाने आते नंबर वार। और आबू में क्या है? चौथी बात, दिलवाड़ा मंदिर हमारा पूरा यादगार। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पांचवी बात, मास्टर रहमदिल और मास्टर सुखदाताओं को है सतयुगी अधिकार। ज्ञान व पवित्रता के संस्कार, करना है अपने घर का दीदार, ये सृष्टि है साकार, हम आत्माएं हैं निराकार, पाठ बजाने आते नंबरवार, दिलवाड़ा मंदिर हमारा पूरा यादगार, मास्टर रहमदिल और मास्टर सुखदाताओं को है सतयुगी अधिकार। ओम शांति।